नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया पुलिस ने चोरों से 5 लाख के जेवर जब्त किए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों का पर्दाफाश करते हुए परासिया एवं तामिया पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों के गहने जब्त किए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी पिपरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिन पर पूर्व से दर्जनों मामले दर्ज हैं। विभागीय पुलिस अधिकारी अनिल शुल्क ने बताया कि पुलिस चौकी न्यूटन परासिया के क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी सत्यम डेरिया पिता सोवेंद्र डेरिया उम्र 19 साल निवासी ग्राम कुंडरा दिन घर में ताला लगाकर ग्राम डुंगरिया कटिंग करने चला गया था। घर में वापस आकर देख रहा कि सामने का दरवाज़ा लगा था, पीछे का दरवाज़ा टूटा पड़ा हुआ था और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। पेटी में रखे नकदी 3,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात नहीं थे और दिन में 2 पल्सर से 2 लड़कों के आने की गांव में जानकारी दी गई। दूसरा मामला ग्राम तुरसी का है। घर में ताला बंद कर खेत गए किसान को सूचना मिली कि 2 लड़के उसके घर का ताला तोड़कर सामान ले गए हैं। छिंदवाड़ा संवाददाता धनंजय बड़ समुद्रकर की रिपोर्ट। चोरी करने की 17 अपराध पंजीबद्ध और जो दूसरा आरोपी राधे श्याम कहार है, इसके विरुद्ध थाना पिपरिया में एक मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया है। उपरोक्त कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन नेतृत्व में ये कार्रवाई संपन्न की गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी परासिया प्रतीक्षा मार्को, थाना प्रभारी तामिया प्रीतम सिंह कलगांव, चौकी प्रभारी न्यूटन उपनिरीक्षक हेमंत जैतवार, चौकी प्रभारी बड़कुई राघवेंद्र उपाध्याय एवं अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है और उन्हीं सबके प्रयास से करीबन 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं।